नेक्स्ट जो था, हमने मेन फंक्शन पढ़ लिए थे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन भी पढ़ चुके हैं। देन अब हम अदर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो नंबर फर्स्ट है वाटर बैलेंस ऑन यूरिन आउटपुट का काम करती है किडनी, ठीक है। वाटर बैलेंस इज कंट्रोल बाय द किडनी, द मिनिमम यूरिनरी आउटपुट इज 500 ml पर डे, ठीक है। अगर कम से कम अगर यूरिनरी आउटपुट अगर कुछ होता है तो वो होता है 500 ml, जो कि किडनी ही कंट्रोल करती है। कंट्रोल बाय द ADH, ठीक है, ADH हार्मोन उसको कंट्रोल करता है, उसका मीनिंग है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। मतलब वाटर बैलेंस का काम भी किडनी ही करती है। देन नंबर थर्ड हुआ हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम किडनी करती है, कैसे? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेंज ड्यू टू, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कुछ कारणों से चेंज हो जाता है, जैसे कि बॉडी में जो वाटर का कंटेंट है उसकी वजह से, या फिर बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है उसकी वजह से, ठीक है। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखती है? तो नंबर फर्स्ट है सोडियम पोटेशियम का बैलेंस, ठीक है। सोडियम हमें फूड के थ्रू या फिर कुकिंग के टाइम पे हम जो सॉल्ट ऐड करते हैं उसके थ्रू हमें मिल जाता है। इंक्रीज देन बॉडी नीड इट एक्सक्रेटेड बाय द यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। अगर सोडियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है तो यूरिन के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है या फिर स्वेट के द्वारा, ठीक है। एंड देन पोटेशियम, तो पोटेशियम जो है वो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस बनाने के लिए किडनी उसे बाहर कर देती है। देन उसके बाद कैल्शियम का बैलेंस कैसे बनाता है किडनी? देन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम बाय PTH, ठीक है, पैरा थायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन के द्वारा कैल्शियम का बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। इनके हमें नाम याद रखना पड़ेंगे, पैराथायरॉयड एंड कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में बना के रखेंगे। देन उसके बाद पीएच का बैलेंस भी किडनी बना के रखती है, मेंटेन नॉर्मल ब्लड पीएच, ठीक है, ब्लड का पीएच ताकि नॉर्मल बना रहे, 4.5 से 8 पीएच होता है यूरिन का, डिपेंड ऑन द इनटेक ऑफ फूड जिस टाइप का लेते हैं,